मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या आपको लगता है कि मुझमें यह कमी है, वो कमी है? भगवान ने पता नहीं किस कारण मुझे बाकी खुशकिस्मत लोगों से कम रखा, जिसकी वजह से मैं अपने सपनों की मंजिल नहीं पा सकता। अगर आपको ऐसे लगता है और इस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स, मेरी आज की स्टोरी आप ही के लिए है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सुमन स्पीक्स में। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ तथा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि चैनल पर जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्कूल में गेम्स का पीरियड चल रहा था। एक कमज़ोर सी लड़की ने अपने टीचर से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू किए। इस पर उसके क्लासमेट्स उस पर हंस पड़े। पता क्यों? क्योंकि वह तो पोलियोग्रस्त लड़की थी, उसका एक पैर ब्रेस में था। ओलंपिक्स रिकॉर्ड्स के बारे में बच्ची की जिज्ञासा को शांत करने की बजाय टीचर ने उस पर व्यंग किया। तुम ये सब जानकर क्या करोगी? तुमने कौन सा खेलों में भाग लेना है जो खेलों के बारे में पूछ रही हो? ओलंपिक से है कोई मतलब तुम्हारा? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। और फ्रेंड्स, यह लड़की सिर्फ ठीक से खड़ी ही नहीं हुई, चली, भागी, और भागी भी ऐसा कि दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट धाविकाओं को धूल चटा दी। यह थी विल्मा रुडॉल्फ। खैर, उस दिन उसके साथी स्टूडेंट्स, जिन्हें आज कोई भी नहीं जानता, उस पर हंसते रहे और वह आंखों में आंसू लिए अपनी सीट पर वापस चली आई। घर जाकर उसने अपनी माँ ब्लांच से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन सकती हूँ? तो उसकी माँ, जो कि सदैव उसका प्रेरणा स्रोत रही, ने उसका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, भगवान द्वारा दी गई योग्यता, लगन और विश्वास से तुम वह सब कर सकती हो जो तुम चाहती हो। विल्मा ने जन्म से ही अकथनीय मुश्किलें देखी थी। पहले तो उसका जन्म ही गरीब परिवार में हुआ। पिता एडी रुडॉल्फ के घर 23 जून 1940 को विल्मा का जन्म हुआ। पिता कुली का काम करते थे और माँ घर की बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से नौकर का। प्री मैच्योर बर्थ की वजह से विल्मा का वजन जन्म के समय अप्रॉक्स 2 kg था, जो कि बहुत ही कम था। 4 वर्ष की उम्र में उसे डबल निमोनिया और स्कारलेट फीवर हो गया, एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन। तदुपरांत वह पोलिया से ग्रस्त हो गई। उसके बाएं पैर ने अपनी ताकत खो दी। उस वक्त नस्ल भेद बहुत अधिक होने की वजह से अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए बहुत कम हॉस्पिटल थे। हर सप्ताह 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके विल्मा की माँ उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती। काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टर्स ने हार मान ली। डॉक्टर्स के अनुसार वह अपना बायां पांव कभी ज़मीन पर नहीं रख पाएगी। अपनी उम्र के बाकी बच्चों को खेलते देखकर विल्मा का भी मन होता खेलने को, पर खेल नहीं पाती शारीरिक अक्षमता की वजह से। गेम्स के पीरियड में बाकी बच्चों से उसे अलग बैठाया गया। अंततः 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट उसने पैर से ब्रेस को उतार दिया। बिना ब्रेस के चलने का अभ्यास करने लगी, फिर तेज चलना और दौड़ना सीख लिया। 13 वर्ष की उम्र में उसने पहली रेस में हिस्सा लिया। आप क्या सोचते हो कि वह फर्स्ट आई? नहीं, लास्ट। हिम्मत नहीं हारी, फिर दूसरी रेस में हिस्सा लिया, रिजल्ट लास्ट। तीसरी रेस लास्ट, चौथी रेस, अब भी वह लास्ट ही रही। फिर एक दिन आया जब वह रेस में प्रथम रही, फर्स्ट। 15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने कोच से कहा, मैं इस धरती की सबसे तेज़ धाविका बनना चाहती हूं। टेम्पल ने जवाब दिया, तुम में जो जोश है उससे कोई भी तुम्हें दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बनने से रोक नहीं सकता, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और वो दिन आया जब विल्मा ओलंपिक्स में गई। दुनिया की बेहतरीन वेल ट्रेंड धाविकाओं से मुकाबला था उसका। उसकी मैचिंग गेट्टा नाम की धाविका से थी, जो कभी भी हारी नहीं थी। चुनौती बड़ी थी,
पर बड़ी चुनौतियों का सामना करके ही तो बड़े बनते हैं ना। पहला इवेंट 100 मीटर की रेस का था। जट्टा को हराकर विल्मा ने पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरा इवेंट 200 मीटर रेस का था। विल्मा ने दूसरी बार फिर जट्टा को पछाड़ा और दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तीसरा इवेंट 400 मीटर रिले का था, जिसमें विल्मा किसी मशीन की तरह भागी और तीसरा गोल्ड मेडल भी जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 1960 के ओलंपिक्स में एक पैरालिटिक लड़की सबसे तेज धाविका बनकर दुनिया के गगन में चमकी और लोगों को भौंचक्के कर दिया। तो फ्रेंड्स, क्या निष्कर्ष निकाला आपने इस समय से? विल्मा किसी अन्य क्षेत्र में नहीं गई। उसने डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या टीचर बनना ऑप्ट नहीं किया। उसने चमकने के लिए वही फील्ड चुना जिसके लिए उसके पास बेसिक क्षमता भी नहीं थी, दो पांवों की सामान्य ताकत। पर लगन और जुनून से उसने ना सिर्फ विकलांगता के ठप्पे से, पोलियोग्रस्त होने की मानसिक वेदना से निजात पाई, बल्कि लोगों के व्यंग्य के ठहाकों को तालियों की गड़गड़ाहट में बदल दिया। पूरे शारीरिक सामर्थ्य वालों को पछाड़ अपनी विजय पताका फहरा दी। सोचो आप, क्या आपके पास पैसा नहीं है? तो गुर्बत की जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, अमीर बन के दिखाओ। बिल गेट्स की बात ध्यान से सुनो। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हो तो वहीं पूरे ताकतवर बन के दिखाओ, बोर्ड या यूनिवर्सिटी टॉप करके दिखाओ। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसमें सबसे अधिक मार्क्स लेकर दिखाओ। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिस सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे उसी में टॉप किया जब लगन लगी। अगर फ्राइट है मंच पर बोलने का, सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन के दिखाओ। आप सोच रहे होंगे, क्या बात करते हैं मैडम, चाहने मात्र से थोड़ी ना हो जाएगा। बिल्कुल, चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। विल्मा की स्टोरी सुना तो दी है आपको, लगन और जुनून से होगा। अगर लगन और जुनून होगा तो रास्ते खुद ब खुद आपको मंजिल तक ले जाएंगे। होता ऐसे है ना, मोस्टली हम अपने वीक पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और वही वीक पॉइंट मैग्नीफाई होकर बाकी प्लस पॉइंट्स पर भी छा जाता है। परसिस्टेंस, हार्डवर्क, जोश और अनथक प्रैक्टिस से अपने वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ एवं अपने लिए तथा अपनों के लिए एक मनोहर संसार की रचना करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहेंगे? किसी भी सुझाव के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।